दोस्तों मैं शाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में हम वेइंग स्केल को ठीक करना सिखाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारे पास ये वेइंग स्केल है, तो सबसे पहले फ्रेंड इसको चलाकर देखते हैं, मैं इसको चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड इसको ऑन करेंगे, ये देखिए फ्रेंड हमारे पास ये वेइंग स्केल है जो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। और मैं इसके ऊपर कुछ भी रखूँ, ये देखिए मैंने ये रख दिया और इसने इसका वेट बिल्कुल एक्यूरेटली बता दिया कि कितने ग्राम का है। और फ्रेंड इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अंदर चार्जिंग नहीं हो रही है। आप देखिए फ्रेंड मैं चार्जिंग ऑन कर देता हूँ, ये देखिए चार्जिंग फ्रेंड, ये देखिए चार्जिंग मैं इसकी ऑन कर चुका हूँ तो ये चार्ज हो रहा है। एक्चुअल में तो इसकी लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड लाइट जल रही है और चार्जिंग का इंडिकेशन ऑन है, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ देर बाद जब हम इसको काम करते रहेंगे तो ये डाउन हो जाएगा और जब इसको चार्जिंग पर लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। तो फ्रेंड इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर जो भी समस्या है देखेंगे कि क्या समस्या और किस तरीके से इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसको पावर कॉर्ड से निकाल लेंगे हम। हमने इसको निकाल लिया पावर कोर्ड से, इसको बिजली से डिस्कनेक्ट हमने कर लिया है। अब इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्क्रू हैं वो इसको इसके ओपन कर लेते हैं हम। फ्रेंड ये देखिए हमने इसका अंदर के सर्किट को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपनी ने एक बैटरी को इस्तेमाल किया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लग रहा है और हमारा सर्किट प्लेट लगी हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको इसके चार्जिंग सर्किट के बारे में समझा देता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है जो एसी वोल्टेज को इनपुट करेगा और उसको स्टेप डाउन कर देगा। तो स्टेप डाउन होने के बाद हमारी वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये चार डायोड की असेंबली लगी हुई है जो हमारी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देगी। और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है जो उसके बाद फिर वोल्टेज यहाँ पर जाएगी और यहाँ से फिर इस रेगुलेटेड आईसी में जाएगी जो इस वोल्टेज को रेगुलेट करके इस बैटरी में दे देगी जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो फ्रेंड आपने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वह चार्जिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करते हैं, हम इस बैटरी के अंदर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि जब हम इसको ऑन करते हैं वेइंग मशीन को तो इसके अंदर कितनी वोल्टेज बैटरी से आउट हो रही है और जब इसको चार्ज करते हैं तब इसमें कितनी वोल्टेज इनपुट हो रही है, यह चीज़ फ्रेंड अब हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमने अपने वेइंग मशीन को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर लाइट जल रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड अब हम चेक करेंगे कि बैटरी से कितनी वोल्टेज आ रही है। ये देखिए मल्टीमीटर को मैंने सेट कर रखा है डीसी वोल्टेज पे, आप देख सकते हैं और मल्टीमीटर हमारा शो कर रहा है 4.2 वोल्टेज। फ्रेंड्स को याद रखिएगा 4.2 वोल्टेज बैटरी से हमारी आ रही है। और ये देखिए मैंने इसकी वोल्टेज चेक करी है, देखिए डायरेक्ट अगर बैटरी पे चेक करें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 4.2 वोल्टेज फ्रेंड हमारा बैटरी रीडिंग दिखा रहा है। ये देखिए 4.2, याद रखिएगा फ्रेंड इस वोल्टेज को 4.2, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, अब हम इसको ऑन कर देते हैं। देखिए हमने ऑन कर दिया यहाँ से, अब ये देखिए इसकी रेड लाइट जल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड रेड लाइट जल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें चार्जिंग हो रही है। अब इसकी चार्जिंग वोल्टेज को चेक कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर मिलेगी, और देखिए सेम वोल्टेज 4.2। अगर मैं आपको बेसिक सा सिंपल प्रिंसिपल बता दूं कि जितनी वोल्टेज आ रही थी 4.2, जब इसको हम चार्ज करेंगे तो 4.2 वोल्टेज से ज़्यादा आनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है 4.3 4.4, तो 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं वोल्टेज ज़्यादा नहीं आ रही है, वोल्टेज उतनी आ रही है। इसका मतलब हमारा सर्किट चार्जिंग वोल्टेज डिलीवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे चार्जिंग सर्किट में है। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके चार्जिंग सर्किट को चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड अब हम इसका चार्जिंग सर्किट को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड, जितने भी रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं सब मैं उनके ऊपर वोल्टेज को चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रेक्टिफायर डायोड पर 12 वोल्टेज, ये देखिए बिल्कुल सही आ रही है, हमारे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज स्टेप डाउन होकर बिल्कुल ठीक आ रही है। फ्रेंड देखिए जो हमारी अब आईसी लगी हुई है 7805, ये इस 12 वोल्टेज को इनपुट लेगी और आउटपुट पिन पर हमें 5 वोल्टेज मिलेगी। 7805 आईसी लगी हुई है, रेगुलेटेड आईसी। तो फ्रेंड मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इनपुट पर 12.5 वोल्टेज हमें मिल रही है जो कि हमें डायोड से मिल रही है। इसकी आउटपुट पिन पर हमें वही 5 वोल्ट मिलेगी। ये देखिए हमारी आईसी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक वोल्टेज सही आ रही है। अब इसके बाद ये वोल्टेज रजिस्टर के थ्रू पहुँच जाएगी। ये देखिए फ्रेंड ये रजिस्टर पे के इन पर आ रही है और जब आउट पे, ये देखिए
1.75 है, मतलब वो वोल्टेज रजिस्टर से पास नहीं हो रही है। ये देखिए जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड, ये देखिए इन पर तो सही है, इसकी एक पिन पर तो ठीक आ रही है, जो उसकी दूसरी पिन पर हम वोल्टेज को चेक करिए, देखिए 1.74 आ रही है। तो हमें ये पता चला कि ये रजिस्टर ख़राब है या ओपन है, जो भी है वो हम अभी इसको चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, चलिए फ्रेंड इस फ्रेश रजिस्टर को निकाल लेते हैं और उसको चेंज कर देते हैं यहाँ से, और फिर देखते हैं कि हमारी वोल्टेज पास आउट हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रेंड देखिए दूसरा रजिस्टर हमारे पास है फ्रेंड, अब हम इसको लगाने वाले हैं इसके अंदर। देखिए फ्रेंड रजिस्टर हमने चेंज कर दिया है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रजिस्टर हमने चेंज कर रखा है। अब फ्रेंड क्या करेंगे, अब वही इसकी, देखिए फ्रेंड अब हम दोबारा से इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं, जहाँ पर आपने पहले देखा, पहले 4.2 वोल्टेज आ रही थी, लेकिन दूसरे सिरे पर आप देख सकते हैं 1.7 वोल्टेज आ रही थी। अब मैं दोबारा से आपको चेक कर दिखाता हूँ, ये देखिए रजिस्टर के एक सिरे पर दिखाता हूँ सबसे पहले, देखिए यहाँ तो पहले भी 4.9 आ रही थी, ठीक है, दूसरे सिरे पर 1.7 आ रही है, देखिए 4.7 वोल्टेज फ्रेंड अब यहाँ पर शो कर रही है, और ये देखिए 4.3 वोल्टेज डायोड के थ्रू आ रही है। और इसको अगर हम चार्जिंग पर लगा दें, और ये देखिए चार्जिंग पर लगा हुआ है हमारा, ये देखिए रेड कलर की बत्ती जल रही है, और ये देखिए अगर हम बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज चेक करें तो देखिए 4.4 आ रही है फ्रेंड, जो कि पहले नहीं आ रही थी, सेम आ रही थी 4.2 आ रही है। और जैसे ही हम बंद करेंगे, देखिए मैं बंद कर रहा हूँ वहाँ से, जैसे ही मैंने इसको बंद कर दी चार्जिंग, इसकी वोल्टेज कम हो गई, 4.3 हो गई। लेकिन जैसे ही चार्जिंग की वोल्टेज को, जैसे इसको चार्ज करने के लिए वो करेंगे, तो देखिए फ्रेंड जैसे हमने ऑन किया, यहाँ देखिए वोल्टेज 4.39 हो गई, वोल्टेज बढ़ गई, 4.4 हो गई। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, अब ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो फ्रेंड इसी तरह से आप भी अपने चार्जिंग की समस्या को, अगर बिगिनिंग स्केल में आ रही है, तो उसको बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।